नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में इज्जर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नफे सिंह राठी की हत्या मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हत्या चढ़े दोनों आरोपियों के नाम सौरभ और आशीष हैं। पकड़े गए दोनों ही आरोपी शूटर बताए जा रहे हैं और ये दोनों आरोपी दिल्ली के नागलोई इलाके के रहने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। दोनों शूटर को इज्जर पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया है और दोनों शूटर की गिरफ्तारी के बाद सुबह की फ्लाइट से पुलिस उन्हें लेकर इज्जर जाएगी। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के दोनों शूटरों को इज्जर पुलिस, हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में गोवा से पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस को अभी भी दो शूटरों की और तलाश है। पुलिस की जांच में पता चला था कि इस घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपी शामिल थे। ये सभी शूटर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू फिलहाल लंदन में है और वही इस मामले में दोनों शूटरों को गिरफ्तार को लेकर आज शाम को इज्जर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। तो जो वार्निंग कॉल आया था कल, जो जिसमें धमकी दी गई थी, परसों जो आया था उसमें जो आरोपी था दिलीप सिंह पुत्र गुमान सिंह, गांव पटाऊ खुर्द, जिला बलोत्रा राजस्थान, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और अभी रिमांड लेके और भी पूछताछ की जाएगी और उससे निरंतर जो है पूछताछ जारी है। साथ ही जो नामजद आरोपी हैं उनमें से छह लोगों के साथ पूछताछ चल रही है। चार को कल बुलाया गया था और काफी लंबी हमारी टीम ने पूछताछ की है और दो जो है उनसे आज पूछताछ निरंतर जारी है। इसके अलावा जो गाड़ी थी जो इस वारदात में प्रयुक्त हुई है वो रिकवर हो गई है। एफएसएल की टीम ने उसका मुआयना किया है और सारा उसका जो है डिटेल लिया जा रहा है कि कौन उसका मालिक है और कैसे वो अपराधियों तक पहुंची। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो आइडेंटिफाइड हुए हैं उनके विरुद्ध भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, विभिन्न स्थानों पर रेड्स कर रही हैं और हमारा यह प्रयास है कि शीघ्र से अतिशीघ्र उनको अरेस्ट किया जाए। तो इसमें जो शूटर थे उनको भी देखा गया था? हाँ, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और शीघ्र से उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। सर, विभिन्न जेलों में भी आपकी टीम गई है, दिल्ली पुलिस से भी आपका कोऑर्डिनेशन होगा? देखिए, जो भी संदिग्ध है या कहीं से किसी सोर्स से जिसका भी नाम आ रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य प्रकार से भी अनुसंधान किया जा रहा है कि किसका नाम कैसे आया है। तो जिसका भी इन्वॉल्वमेंट आता है, जिसके विरुद्ध एविडेंस आता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस अरेस्ट भी करेगी और प्रॉपर पैरवी करके उनको सजा भी दिलवाएगी।